हेलो स्टूडेंट, रेगुलर फॉल्सी के ऊपर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक्स ई पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, सॉरी इक्वल साइन था, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम कॉस को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने में तो रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में देखा था कि ये हमारा जो है फार्मूला था जिसके थ्रू हम जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड में यूज करते हैं और हम रूट फाइंड करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्या करते हैं, हमको इंटरवल फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो हम पहले पुट करते हैं एफ जीरो, जीरो पुट कर देखते हैं तो यहाँ पर आएगा जीरो ई के पावर जीरो माइनस कॉस जीरो। ठीक है, ये जो आपका देगा वो माइनस वन देगा। ठीक है, देन इस तरह से करते हैं आगे एफ वन, तो ये आपका वन ई के पावर वन माइनस कॉस वन, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 2.179। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो रूट लाई कर रहा है वो जीरो एंड वन के बीच में ही रहे, मतलब इनका जीरो एंड वन के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जो हम पुट करेंगे और हमको जो है वो जीरो मिल जाएगा, मतलब हमको रूट अपना जो है जीरो मिल जाएगा, मतलब जीरो एंड वन के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल जो आपका होगा वो जीरो और वन आपका इंटरवल हो गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए में जो है यहाँ पर हम ए की वैल्यू जो है आपकी वो जीरो हो जाएगी और बी की वैल्यू जो हो जाएगी वन हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो एंड वन। ठीक है, आप कंसीडर करना है कि ए पे आपको जो है नेगेटिव मिला था और बी पे आपको क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था। यहाँ पर ए पे जो वैल्यू मिली आपको नेगेटिव मिली है, बी पे आपको क्या मिली है, पॉजिटिव मिली है। तो अब हम जो है अब हम नेक्स्ट जाते हैं, हम फाइंड करते हैं एक्स वन। ठीक है, x1 क्या होगा हमारा, तो ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला में रखें तो a की वैल्यू क्या है आपके पास जीरो माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी वन है तो वन माइनस जीरो डिवाइड बाई f of b हमको जो मिला वो 2.179 है, तो 2.179 माइनस, और जो f of a मिला वो माइनस वन मिला है, मतलब माइनस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, माइनस वन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय होगा आपका। ठीक है, ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो मिलेगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगी हमको 0.31466। इसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप लोग अपने कैलकुलेटर का यूज करके आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसी कारण जो है मैंने इसकी वैल्यू को पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिल गई, ये हमको नेक्स्ट रूट मिल गया। अब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.31466 मल्टीप्लाई बाय ई के पावर 0.31466, ठीक है, माइनस कॉस 0.31466। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गई। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस 0.51988, ये वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ हूँ, तो यहाँ पर ये हमको वैल्यू मिल रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि हमको इस रूट पे, इस वाले रूट पे हमको जो है निगेटिव वैल्यू मिली, इसका मतलब हमको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, निगेटिव वाले से करना पड़ेगा क्योंकि ए पे हमको निगेटिव मिला था। तो हमारा जो ए हो जाएगा वो ए आपका 0.31466 होगा। ऑलरेडी बताया था आपको निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो है आपका जीरो लाई करेगा, तो ए पे अगर निगेटिव मिल रहा है और अगर इस पे भी निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब इस वाले निगेटिव और ये बी जिसमें पॉजिटिव मिला था, इसे निगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में जीरो लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए हमारा ये हो गया और बी हमारा एडिटिव बना रहा, वो हमारा बी वन बना रहा। ठीक है, आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, x2 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, x2 की तरफ जाते हैं तो x2 जब कैलकुलेट करेंगे तो
x2 के लिए सेम फार्मूला यूज करें, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया था, तो हमारा क्या है a हमारा क्या है 0.31466, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में b माइनस 0.31466, बी क्या है वैल्यू 1 है, सॉरी b की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय f ऑफ b आपको क्या हमको मिला था 2.179, तो 2.179 माइनस ब्रैकेट में यहां पर हमको a की वैल्यू क्या मिली है, आपको a की वैल्यू हमको ये मिली है, तो a की वैल्यू मिली है माइनस 0.51988, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू f ऑफ a क्या आपका हमारा माइनस 0.51988, सॉरी यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं लिख देता हूँ 88, ठीक है, ये हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमको जो वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी हमको 0.44672, ठीक है, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करने के बाद मिले, इसका मतलब नया रूट हमको जो मिला 0.44672, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे, तो f ऑफ 0.44672 ये हमको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब 0.44672 e के पावर 0.44672 माइनस cos 0.44672, ठीक है, ये 7 है 72, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हमको मिलेगी वो हमको मिल रही है माइनस 0.20354, ठीक है। इस तरह से हम जो है आगे आगे अपना ये इटरेशन रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, यहां तक हमको यहां पर देखो यहां पर निगेटिव मिला, इसका मतलब अब क्या होगा, हमको यहां भी निगेटिव मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो रिप्लेस होगा वो हमको यहां पर ए पे निगेटिव मिला था, बी पे पॉजिटिव मिला था, ठीक है, इसका मतलब जो नया रूट होगा वो ए से ही रिप्लेस होगा, तो ए हमारा जो हो जाएगा वो आपका 0.44672 हो जाएगा, और बी जो आपका हो जाएगा वो आपका एजिटिव जो बना रहेगा 1 बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें होगी, नेक्स्ट आपको वही सेम रिपीट करना पड़ेगा, अगर आप जो है यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, x3 कैलकुलेट करोगे तो आपका होगा a मतलब 0.44672 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 0.44672 नीचे b पे हम कैलकुलेट किए थे तो हमारा क्या था वही 2.179 माइनस a पे हमको क्या मिला था, हमको a पे हमको मिला है माइनस 0.20354, ठीक है, ये वैल्यू मिली है, ठीक है, सॉरी मैं ब्रैकेट थोड़ा अजीब बना दिया हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई मैं नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.20354, ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल रही है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.49401, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमको ये मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आगे इसको फिर आप फंक्शन में पुट करोगे, फंक्शन में इसको वैल्यू को फंक्शन में पुट करोगे और यही सेम चीजें रिपीट करते हुए आगे चलोगे। इतना अगर आप x4 जब आप निकालोगे तो आपको कुछ निकलेगा 0.50995, इस तरह से x5 निकालोगे तो आपको मिलेगा सॉरी यहाँ पर x4 निकालने भी ये मिलेगा, x5 निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.51520, x6 अगर निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.51692, ठीक है। इस तरह से आप जो है निकालते हुए आगे चलोगे, ठीक है। तो
कहाँ तक रिपीट करना, अगर उसमें नंबर ऑफ ट्रेसन दिया हुआ है तो अगर मान लो 3 दिया 4 दिया तो आप 3 तक या 4 तक निकाल लोगे। अगर यहाँ ये दिया हुआ कि 3 डिजिट तक निकालना है तो यहाँ पर आगे निकालते हुए जाओगे तो जब आप X7 निकालोगे तो आपका जो है X8 जो आपका आ रहा है वो 0.517486 इतना से बीच में 7 भी निकालना पड़ेगा, और X9 जब निकालोगे तो 0.517667 ये आ रहा है। इसका मतलब दो यहाँ पर 3 डिजिट जो फिर से रिपीट होने लगे, इसका मतलब आपको यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। लेकिन जनरली जो है ऐसे क्वेश्चनों में जो है आपका नंबर ऑफ ट्रेसन देगा 3 या 4 ट्रेसन देगा कि 3 या 4 ट्रेसन आपको परफॉर्म करना है। अगर आपको एक ट्रेसन नहीं भी देता है तो एटलीस्ट आप 4 ट्रेसन तक परफॉर्म करके 4 ट्रेसन तक वैल्यू निकाल करके और यही आप जो है इसको आंसर लिख देना, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग।